विश्व बैंक ने भारत को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 7500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। विश्व बैंक ने ये पैसे भारत सरकार के कार्यक्रमों के तहत सामाजिक सुरक्षा के लिए दिए हैं। वर्ल्ड बैंक के इंडिया डायरेक्टर जुनैद अहमद ने बताया कि वर्ल्ड बैंक 3 क्षेत्रों स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और MSME में भारत सरकार के साथ साझेदारी करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर से अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने भारत को 1 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता देने की घोषणा की थी। संघाई स्थित NDB की स्थापना ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने 2014 में की थी और इस समय इसका नेतृत्व दिग्गज भारतीय बैंकर KV कामत कर रहे हैं। NDB के निदेशक मंडल ने 30 अप्रैल को भारत के लिए आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण को मंजूरी दी थी और इसका मकसद कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना है। दूसरी तरफ अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और जनता को मदद करने के लिए भारत सरकार ने भी करीब 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। 12 मई को घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 15 मई शाम 4 बजे एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा चरण होगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि आज वित्त मंत्री कुछ ऐसे राहत पैकेज का ऐलान करेंगी जिसमें लोगों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद मिले। कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के पहले चरण में 13 मई को वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए जिसमें करीब 5.94 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की बात की गई है। इसमें MSME सेक्टर पर फोकस किया गया था। वहीं दूसरे चरण में 3.16 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें मजदूरों, गरीबों और किसानों पर फोकस किया गया है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या शुक्रवार को 80,000 के पार पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने दैनिक अपडेट में कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 134 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 2549 तक हो गई है। कोरोना से अब तक 26,235 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए लगाया गया लॉकडाउन 3 रविवार को खत्म हो रहा है। 18 मई से लॉकडाउन 4 किस तरह होगा इस पर कोई साफ निर्देश अभी तक नहीं आया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।